शाहपुर के बोह में लैंडस्लाइड से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंगलवार को कांगड़ा पहुंचे। मंगलवार देर दोपहर बाद पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एयरपोर्ट पर लैंड के बाद चौक पर ही गांव का हवाई सर्वेक्षण किया और चौपर से रेस्क्यू ऑपरेशन का भी निरीक्षण किया। इसके उपरांत कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बरसात से जो नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार हर प्रभावित को मदद मुहैया करवाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश के चलते जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं या टूटे हैं उन्हें सरकार की ओर से मकान उपलब्ध करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा वहां जिस तरह से लैंडस्लाइड हुआ है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जो लोग मिसिंग है उन्हें ढूंढने का प्रयास भी किया जा रहा है। दो दिनों से लगातार बारिश के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उसमें खासतौर से कांगड़ा जिला में जो गांव है हमारा शाहपुर के साथ वो गाँव उसमें ज़्यादा क्षति हुई, ज़्यादा नुकसान हुआ। और जैसे ही हमको ये सूचना मिली हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रेस्क्यू के लिए कह दिया था और रेस्क्यू की ऑपरेशन की जो टीम थी वो मौके के लिए रवाना भी हो चुकी थी और उसके साथ साथ में हमारे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई। उन्होंने तुरंत वहाँ पर NDRF की टीम को रवाना करने के लिए आदेश दिए और टीम वहाँ पर पहुँचे भी। मुझे इस बात को लेकर के दुख है कि एक महिला की एक वहाँ पर दुखद मृत्यु भी हुई है और अभी तक जो सूचना मिली है उस सूचना के मुताबिक तो 9 लोग अभी तक उसमें जो मिसिंग है, गायब है, गुम है, तो मतलब वो जिनकी अब तक हमको जानकारी नहीं मिल पा रही। लगभग 8-9 मकान जो है वहाँ पर जो बने थे वो पूरी तरह से तबाह और मकान वहाँ पर दिखता नहीं, क्योंकि मैं अभी चौपर से उस गांव का निरीक्षण करके आया और जहाँ से ऊपर से वो मलबा शुरू हुआ जिस पॉइंट से उसको भी हमने बहुत करीबी से देखा। बहुत ऊंचाई पर पहाड़ है और पहाड़ से शुरुआत थोड़ी सी हुई थी और वहाँ से जो इरोजन होते होते आगे वो बढ़ता गया और वो मलबा जो है वो पानी के साथ आगे बढ़ते बढ़ते गांव में घुस गया और उसी कारण वो मकान जो है वहाँ पर बर्बाद हो गया। अभी भी मैं विजिट करने के लिए वहाँ पर जा रहा हूँ और हर संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन के माध्यम से जो लोग मिसिंग है उनको हम निकाल पाए। सरकार की ओर से मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ जिन लोगों के भी मकान वहाँ पर गिरे हैं, मकान जिनके टूटे हैं उनको सरकार मकान देगी और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जब पूरी हमारी कंप्लीट जो इसमें जानकारी आ जाएगी, रिपोर्ट आ जाएगी, उसके आधार पर अगला जो है वो रिलीफ का किस प्रकार से उनको मदद करने का करना है उसको हम सुनिश्चित और जगह भी मकान गिरे हैं और हाँ ये भी मालूम पड़ा है हमको और जगह भी पड़े हैं जिन जिन के मकान गिरे हैं उनको मकान सरकार की ओर से देगा। इस पुनर्वास के लिए कोई विशेष योजना बनाई जा रही है इनके लिए? कोई विशेष फिलहाल तो मकान देने की हमने बात कही, उसके बाद जो आने वाले समय में जो मदद करने की जो बातें होंगी उस पर निश्चित रूप से आगे बढ़ते काम करेंगे।